तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कॉस्ट शीट चल रहा था सर। पहले बुक के बारे में बता दीजिए क्लास स्टार्ट करने से पहले। ओके तो बुक के बारे में ही बता देते हैं। अभी रुकिए बुक दिखाते हैं आप। पहले बुक लो आप। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं बुक के लिए। काफी बच्चे ना बहुत परेशान हो रहे हैं सेमेस्टर थ्री के बुक को लेके कि सर सेमेस्टर थ्री के बुक के साथ क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, बुक कब आएगी ये बता दीजिए। तो उस बुक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मेरा कहाँ गया पेन, कहाँ गया, ये रहा मेरा पेन। ठीक है तो आपका सेमेस्टर थ्री का बुक, पहले तो मैं सेमेस्टर थ्री में बोल गया गलती से, आप तो सेमेस्टर फोर में आ चुके हो। तो बीकॉम सेमेस्टर फोर में, ठीक है। और सेमेस्टर फोर के अंदर मैं सिर्फ जो बुक की बात करूंगा ना, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सिर्फ उसी की बात करूंगा, सारे सब्जेक्ट्स की मैं बता देता हूँ जो भी बुक का रहेगा। अब बुक की पीडीएफ मांग रहे हैं, देख लो। नंबर वन, सबसे पहले कॉस्ट। सर कॉस्ट का मतलब ये सर बीकॉम प्रोग्राम में भी और ऑनर्स में भी, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये हमारा एनईपी के लिए बताया जा रहा है, नए सिलेबस वाले के लिए। पुराने सिलेबस वालों के लिए मैं अलग से बता दूंगा कौन सी बुक है नहीं है। तो ये प्रोग्राम में भी ऑनर्स में भी है। सर प्रोग्राम या ऑनर्स की बुक्स कौन सी लगेगी, वो लगेगी आपकी एसएन महेश्वरी, महेश्वरी मित्तल, ठीक है। सर कौन सी बुक लेनी है, मैं कवर पेज दिखा दूं आपको। चलिए देखिए जो बुक का कवर पेज है, ध्यान दीजिए, ये रहा आपके पास बुक का कवर पेज, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए। मैं पहले क्लियर कर दूं, जो पब्लिशर है उनसे बात हुई है, जो बुक को खुद ही प्रिंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया बन के तैयार हो गई है, मार्केट में गई नहीं है अभी तक, मार्केट में भेजने के लिए हम सारा प्रोविजन अभी ला रहे हैं। बुक का कवर पेज ये देख लीजिए, ये है हमारा बीकॉम। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि बीकॉम प्रोग्राम के लिए होगा या फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए। ये बीकॉम ऑनर्स का है, कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा बीकॉम ऑनर्स का बुक है, ठीक है। बुक का ये कवर पेज है। कोई बच्चा बोले सर कहाँ मिलेगा, महावीर पब्लिकेशन की बुक है, अभी अवेलेबल मार्केट में कहीं भी नहीं है, ना ही अमेजोन पे, ना ही कहीं पे भी। तो थोड़ा तसल्ली कर लें, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे उनको तो अभी बुक नहीं मिलने वाली, एक से दो दिन हद मार के कल मान लो मेरे पास जैसे भी आएगा बता दूंगा। दूसरे बुक की बात करें हम, दूसरा बुक हमारा आ जाता है ये सर है बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए, बीकॉम प्रोग्राम जो सेमेस्टर चार देखेंगे यहाँ पे एनईपी 2020 के अंदर सिलेबस, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आया था उसके अकॉर्डिंग है। तो पुरानी बुक इसलिए बच्चों को मैं मना कर रहा हूँ। ये भी आपका महावीर पब्लिकेशन का है, ये भी क्या है महेश्वरी मित्तल की बुक है, ये बुक आ चुकी है, अमेजोन लिंक भी आ चुका है। मैंने जो आपका चैट है, चैट में ना एक ग्रुप चैट बनता है, चैट में जाएंगे वहां पे मैंने पिंग कर दिया है, आपको क्लिक करने पे मिल जाएगा। जिस बच्चे को नहीं मिला होगा मैं एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दूंगा, आप चैट को जाके एक बार देखिएगा और उसके अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला चैट है उसको ओपन करिएगा, पिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, वहां पे इसका लिंक डाल दिया है, ये मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में स्टिल अभी अवेलेबल नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अमेजोन से बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन सर बुक की पीडीएफ मिल जाए तो मजा आ जाएगा, तो मैं यही कहूं कि पीडीएफ बुक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, पीडीएफ तो दूर दूर तक मत सोचिए कि पीडीएफ मिलेगा इसका, आपको बुक ही बाय करना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला सब्जेक्ट। सर दूसरा सब्जेक्ट का भी बता दो कुछ। दूसरा है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बुक बहुत सारे राइटर की है इसके अंदर, तो मैं एक फिक्स राइटर का जो टीचर हमसे पढ़ाएंगे यहाँ पे जो आपको, तो मैं उनसे एक बार फाइनल करूंगा कि आप कौन सा बुक रिकमेंडेशन कर रहे हो, तभी मैं बता पाऊंगा। काफी सारे राइटर हैं, जैसे कॉस्ट के भी खूब सारे राइटर हैं, कॉस्ट का आपका पीसी तुलसियान है, कॉस्ट का आपका महेश्वरी मित्तल है, कॉस्ट का आपका एमएन अरोड़ा है, बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ महेश्वरी मित्तल से, तो मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपको महेश्वरी मित्तल, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज में यही लगाए जाते हैं। सेम आईबी इंटरनेशनल बिजनेस का भी उसी तरीके से, जो मैक्सिमम इजी लैंग्वेज होगा वो बताया जाएगा, तो इसका अभी तो नहीं पता चला। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है आपका स्टैट्स का, तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है स्टैट्स का। स्टैट्स के अंदर आपका लगेगा सर जेके ठुकराल,
जेके ठुकराल, इसका भी लिंक इनफैक्ट मैं ऑनर्स वाले में डाल दूंगा। ये सब्जेक्ट अभी अवेलेबल हुआ है या नहीं मुझे जेन्युइनली अभी नहीं पता, पब्लिशर से मैंने बात नहीं किया है जेके ठुकराल से कि आपकी नई एनईपी वाली बुक आ गई या फिर नहीं आ गई है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर मिल जाएगा यहाँ, हाँ जहां पे भी अवेलेबल है आप ले लीजिए, ऐसा नहीं, मैं तो अब बुक है भाई, अब बुक जहां से भी मिल जाए। फोर्थ आपका ये है आपका ऑनर्स के पास, नहीं ये किसके पास है, ऑनर्स के पास है, हाँ ऑनर्स वाले बच्चों के पास है। एक चौथा सब्जेक्ट बनता है हमारा सर, एक और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से है, उसका मुझे अभी राइटर अभी न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, जो बुक मेरे मुझे पता है मैं उसकी बताऊंगा। एक है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इसकी बुक दो राइटर की बहुत फेमस है, एक है हमारा आरपी रस्तोगी और एक है हमारा, ये सिर्फ ऑनर्स वाले बच्चों के पास है, प्रोग्राम वाले बच्चे टेंशन ना ले, एक है हमारे पास आरपी रस्तोगी और एक हमारे पास है सर विनीता वनीता त्रिपाठी। तो बहुत कम बच्चे रेगुलर कॉलेज में ये दिया जाता है, वैसे बहुत कम बच्चे ऑनर्स वाले ये ऑप्ट करते हैं कि सर हमें ये चाहिए और उसके हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो मैं वही कहना चाहूंगा ये बुक है, बुक की हर बच्चों की शायद समस्या दूर हो गई होगी, अब आप आगे मन लगा के बस पढ़िए, 2 से 3 दिन तक तो मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो आप करते रहेंगे, तो बुक के पीछे पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, चलिए आइए आ जाते हैं सर, अब बुक के पीछे नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, दोनों कवर पेज भी दिखा दिया है हमने, लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन किया था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, आइए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में कि प्लीज आप होमवर्क में कर लीजिएगा, मैंने कहा था मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लाइव क्लास में भी इस क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं या फिर देखते हैं इससे बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ऐसा जान है नहीं क्वेश्चन के अंदर, और ये भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने जा रहा हूँ क्योंकि इन सभी की आपको वीडियो मिल जाएगी होमवर्क। चलिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ध्यान दे दें, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कितने हेडिंग पढ़े थे हमने, 6 हेडिंग पढ़े थे बेसिकली। सबसे पहले हेडिंग का नाम था प्राइम कॉस्ट, दूसरे हेडिंग का नाम था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको उसके बाद था नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लास्ट में हमारा क्या था कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारे 6 हेडिंग में पूरा का पूरा खत्म होता है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आज इंपॉर्टेंट पार्ट भी कवर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम द डेटा गिवन, यानी आपने रॉ मटेरियल कितना खरीदा है वो बताइए। इसका मतलब सर रॉ मटेरियल तो हमें पहले गिवन होता था, हम प्राइम कॉस्ट निकालते थे, चलो हमें अब क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, जो प्लेस करना है वो कर देते हैं, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। जनरली ये कॉस्ट शीट नहीं है, ऊपर मैं लिख सकता हूं कैलकुलेशन ऑफ ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। चलिए ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो साहब कितना है, 10,000। सिंपल लिखते जाओ बस, हिसाब किताब बनता जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां पे लिख लेते हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल वाला लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाता है ना क्लोजिंग वाला। इसके बाद एक्सपेंस ऑन परचेज, तो यहां लिख लेते हैं हम, थोड़ा गैप देके, एक्सपेंस ऑन परचेज कितने का अमाउंट है सर, 5,000। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस हैं, यहीं आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस कितने का है सर, 50,000, बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपको देखो क्या दे दिया इसने, इसने कहा हम आपको बताने जा रहे हैं साहब, क्या बताने जा रहे हैं हम, प्राइम कॉस्ट, यानी आपको जो निकालते थे वो आंसर दे दिया इसने, कितना दे दिया, 1,00,000। और आपसे क्या पूछ लिया गया, रॉ मटेरियल परचेज बताओ। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ कि हमसे जो पूछा गया, मैं लिख देता हूं क्या पूछा गया सर, हमसे पूछा गया कि बताइए रॉ मटेरियल परचेज, परचेज बताइए जो भी आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बेटर, मैं यहां पे इसको नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे, रॉ मटेरियल ये लो क्वेश्चन मार्क, आपके सामने सारा डिटेल है, इन सभी को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। इन सभी को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा सर, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। सभी को ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी है, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं क्वेश्चन मार्क निकालने बोलूं आपको, तो क्या आप निकाल सकते, बच्चों का जवाब भी आ गया सर, लेटेस्ट कंटेंट में तो कुछ नहीं है, आप लाइव क्लास में भी मैनेज करिए इसको। अरे ये बताइए कोई बच्चा परचेज बता सकता है, कुछ बच्चों ने, हितेश ने जवाब दे दिया, कनक ने जवाब दे दिया, कोमल ने जवाब दे दिया, सभी बच्चे 50,000 कह रहे हैं लगभग। अब मैं भी देख लूं कि 50,000 कैसे बनाइए। तो सर हमें क्या करना है, जो प्लस वाले हैं उसको माइनस करेंगे और माइनस वाले को प्लस करेंगे। जब हमें नीचे से ऊपर की साइड जाना होता है तो हम अपने सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, 1,00,000 में से पहले 50,000 माइनस करेंगे तो बचे 50,000, फिर हम 5,000 माइनस करेंगे बचे 45,000, फिर 10,000 माइनस करेंगे बचे 35,000, और माइनस वाले को प्लस कर देंगे तो हमारा जो जवाब आया यहाँ पे काफी बच्चों का आ गया है, दैट इज 50,000। कैसे करा हमने सर, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता दूं सर, मैंने पहले 1,00,000 में जो प्लस हुआ था, जब नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस किया मैंने 5,000, माइनस किया मैंने 10,000, और ये माइनस वाला सिंबल था तो इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 15,000। तो इसके बाद जो जवाब आया सभी बच्चों का आ गया कि कितना जवाब था सर, जवाब आया सर 50,000। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, जितने बच्चे लाइव क्लास में हैं, कोई भी ऑडियो वीडियो की दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो बाद में फिर खराब हो जाती है, पहले बता दीजिएगा। किसी को दिक्कत समझ में आया, यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको फॉर्मेट पहले ब्लैंक बना लेना, और जो जानकारी पूछेगा वो तो निकल ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ रहा होता ना, सिर्फ मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा होता तो शायद हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है, रॉ मटेरियल परचेस कैसे निकालेंगे। अब डायरेक्टली आपको दिमाग में क्लिक नहीं होता कि कैसे निकालेंगे, लेकिन मैंने फॉर्मेट में पुट कर दिया, और क्यों, मुझे लगा अच्छा प्राइम कॉस्ट दे दिया, इसका मतलब वहीं से कुछ ना कुछ इक्वेशन बन के निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो